करहल क्षेत्र में भयंकर आंधी ने उजाड़ी आदिवासी बस्ती, कई पीएम आवास टूटे, बिजली के खंभे हुए धराशाही। खबर करहल से है, जहां गोठरा पंचायत के अंतर्गत आने वाले कपूरा ग्राम में कल रात तेज हवाओं के साथ चली आंधी ने आदिवासी बस्ती के 15 से 20 घर उजाड़ दिए हैं। आंधी इतनी तेज रफ्तार में थी कि अभी बने पक्के पीएम आवास तक टूट गए हैं। वहीं आंधी की रफ्तार से बिजली के खंभे भी टूट गए हैं, जिसके लिए पंचायत सचिव जल्द ही दूसरी जगह से बिजली व्यवस्था चालू करवाने की बात कह रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय इतनी तेज हवा चल रही थी कि घरों पर लगे टीन शेड और बस्ती में रखी घुमटियां तक उड़कर सड़क पर जा गिरी। दुकान में रखा हजारों का सामान भी खराब हो गया। कई नव निर्मित मकानों की दीवारें हवा की रफ्तार से ढह गईं। कई छतों के सरिये निकल आए। कई लोगों के घरों में रखा गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। ग्रामीणों ने बताया कि ऐसा लग रहा था मानो आज तूफान ही आने वाला है। हम इस आफत से बचने के लिए बच्चों को लेकर इधर उधर छुप गए। खबर लिखे जाने तक हल्का पटवारी विजय गौड़ को कोई जानकारी नहीं थी कि उनके हल्के में आंधी तूफान ने आदिवासी बस्ती में तबाही मचा दी है। वहीं अब ग्रामीण तूफान से हुए इस नुकसान की भरपाई के लिए प्रशासन से मांग कर रहे हैं। देखिए करहल से संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तुम कहाँ थे? हम घर पे सो रहे थे। घर के सब पार्ट मार्ट सब लगाए हुए। 25,000 का सामान तुमने लेके रखा था? हाँ, 25,000 का सामान। ये पार्ट कैसे उड़ गए? धूप आ गया।